हे फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं गैस सिलेंडर की पूजा। तो चलिए वीडियो शुरू कर दें। एक सुबह नमाज़े फज्र से फारिग होने के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला ने अपना सामान्य सफर बांधा और बिना किसी शागिर्द को साथ लिए, बिना किसी को बताए आप एक रास्ते पर सफर के तौर पर रवाना हो गए। आप फरमाते हैं कि मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मुझे जाना कहाँ है और मेरी मंजिल क्या है। सफर करते 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 आप एक ऐसी आबादी में पहुंचे जहां एक मस्जिद मौजूद थी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं उस मस्जिद में नमाज मगरिब अदा करने के लिए गया। मैंने बजमात नमाज मगरिब अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद दोबारा मैं सफर पर रवाना होना चाहता था कि अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि ये सर्दियों की रात है, मेरी मंजिल पता नहीं कितनी दूर हो, आखिर ऐसे में मैं रात कहां गुजारूंगा। ये सोचकर मैं मस्जिद ही में ठहरा रहा, हत्ता कि मैंने नमाज इशा भी बजमात अदा कर ली। नमाज इशा के बाद तमाम नमाजी अपने अपने घर चले गए। अब मस्जिद में सिर्फ मैं और मस्जिद का मुअज्जिन मौजूद थे। मस्जिद के मुअज्जिन ने जब देखा कि सारी मस्जिद खाली हो गई, सिर्फ एक मुसाफिर बैठा हुआ है, तो मेरे करीब आया और आकर उसने कहा, आप अब तक गए नहीं? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने मुअज्जिन से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरी मंजिल बहुत दूर है। मैं चाहता हूँ कि रात मैं इसी मस्जिद में कयाम करूँ, नमाज फज्र के बाद मैं रवाना हो जाऊंगा। मस्जिद के मुअज्जिन ने कहा, हमारी मस्जिद में किसी को भी रात गुजारने की इजाजत नहीं है, बेहतर है कि आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, ये सर्दियों की रात है, मंजिल दूर है, मुझे रात भर यहाँ कयाम करने दो। मुअज्जिन ने कहा, इस मस्जिद में किसी को रात ठहरने की इजाजत नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, खाना खाकर वापस आऊंगा और फिर मस्जिद को ताला लगा दूंगा, उससे पहले तुम बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। आप फरमाते हैं कि ये कहकर मुअज्जिन चला गया। अब मैं मस्जिद में बैठा सोचता रहा कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ। थोड़ी देर के बाद मुअज्जिन वापस आया और उसने मुझे देखकर कहा, ऐ मुसाफिर, अभी तक तू गया नहीं, अगर तू अब भी न गया तो मुझे जबरन तुझे धक्के मारकर मस्जिद से बाहर निकालना पड़ेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, जब उसने ये कहा तो मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ अल्लाह, आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई, कौन सा गुनाह हो गया कि आज तेरे घर में मुझे ठहरने नहीं दिया जाता और मुझे तेरे घर से धक्के मार कर निकाला जाएगा। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मुअज्जिन मेरे करीब आया, उसने मेरा सामान उठाया और उठाने के बाद धमकाते हुए कहा, तुम निकलते हो या मैं तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंकूं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने उसके हाथ से अपना सामान लिया और सर झुकाए मस्जिद से बाहर निकल गया। जब मैं मस्जिद के बाहर निकला तो मुझे सर्दी महसूस होने लगी। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा एक नानबाई तन्नूर में रोटियां बना रहा था। मैं जब उसके करीब गया तो तन्नूर की गर्मी की वजह से मुझे कुछ राहत महसूस होने लगी। मैंने उस नानबाई से कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ देर के लिए मैं इस तन्नूर के करीब बैठ जाऊं। नानबाई ने कहा, अगर मेरे काम में तुम्हारी मौजूदगी की वजह से कोई खलल पैदा नहीं होता तो मुझे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि तुम यहाँ बैठो या वहां बैठो। आप फरमाते हैं कि मैं तन्नूर के करीब बैठ गया और उस नानबाई को रोटियां बनाता देखता रहा और तंदूर की गर्मी से मैं राहत महसूस करता रहा। कुछ देर के बाद मैंने ये देखा कि वो नानबाई जब आटा गूंथता है तो आटा गूंथते गूंथते अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करता है। जब वो रोटियां बेलता है तो उस वक्त भी अस्तग़फिरुल्लाह कहता है। जब वो रोटियां तंदूर में लगाता है तो उस वक्त भी अस्तग़फिरुल्लाह कहता है। जब पकने के बाद रोटियों को तन्नूर से निकालता है तो उस वक्त भी अस्तग़फिरुल्लाह कहता है।
जब वो ग्राहक को रोटियां देता है तो उस वक्त भी अस्तगफुरुल्लाह कहता है। आप फरमाते हैं कि मैंने जब उसकी जबान पर अस्तगफार की तस्बीह देखी मुझसे नहीं रहा गया, मैं उसके करीब गया और मैंने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नानबाई ने कहा, बताओ क्या सवाल है। आप फरमाते हैं मैंने उस नानबाई से कहा, मुझे ये बताओ आप जब आटा गूंद रहे थे, रोटियां बेल रहे थे, जब उसे तंदूर में लगाते हो, जब उसे पकने के बाद निकालते हो और जब ग्राहक को देते हो, अपनी जबान पर हर वक्त अस्तगफार का विर्द जारी रखते हो, मुझे ये बताओ आखिर इस अस्तगफार की फजीलत क्या है, इसकी बरकतें क्या है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे सवाल को सुनने के बाद वो नानबाई कहने लगा, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि दुरूद व सलाम की बरकतें क्या हैं, तो सुने। दरअसल चंद महीनों पहले की बात है, मैं इस बटियार खाने में नानबाई की नौकरी किया करता था। मेरी तनख्वाह इतनी मुख्तसर थी कि बमुश्किल तमाम अपने घर वालों के साथ मैं गुजारा कर पाता था। मेरे घर में मेरे वालिदैन के अलावा मेरे बीवी बच्चे और मेरे भाई बहन भी मौजूद थे। अपने तमाम भाइयों बहनों में मैं सबसे बड़ा था, इसलिए पूरे घर भर की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर थी। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि हम तीन वक्त इत्मीनान और सुकून की रोटी खा सकते। मैं इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था, न मेरे पास अपने वालिदैन की दवाओं के लिए पैसे थे, न अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम था और न ही अपने भाई बहनों की शादी ब्याह कराने का मेरे पास कोई इंतजाम था। इसी सोच और फिक्र में मैं हर वक्त डूबा रहता था। एक दिन जब नमाज फज्र अदा करने के बाद मैं मस्जिद में बैठा अल्लाह की बारगाह में अपनी परेशानियों को याद करके रो रहा था, किसी अल्लाह वाले से मेरी मुलाकात हुई और उस अल्लाह वाले ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफा सिखा देता हूँ कि जिसकी बरकत से अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी को दूर फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता करेगा और अगर तुमने पाबंदी के साथ इस वजीफे को अपनाया तो फिर अल्लाह तुम्हें किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। फिर वो नानबाई कहने लगा, उस अल्लाह वाले ने मुझे अस्तगफार का विर्द सिखा दिया। अब मैंने सुबह शाम अस्तगफार का विर्द करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि चंद दिनों के बाद जिस बटियार खाने में मैं नानबाई की नौकरी किया करता था, अल्लाह ने मुझे उस बटियार खाने का मालिक बना दिया। अब मैंने सुबह शाम अस्तगफार के विर्द को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया है। मैं चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अस्तगफार का विर्द करता हूं और मैंने ये देखा है इस वजीफे को अपनाने की बुनियाद मेरे रब ने मेरी तमाम तर तमन्नाओं को पूरा कर दिया। अल्लाह ने हर मुश्किलात को दूर कर दिया। अल्लाह ने मेरे रिस्क में खूब बरकतें अता की। सिर्फ एक दुआ है जो अल्लाह ने अब तक कबूल नहीं फरमाया। अलावा इसके रब ने मेरी हर आरजू को पूरा किया है, हर तमन्ना को पूरा फरमाया है और मुझे अपने रब की जात पर यकीन है कि मेरा रब मुझे मौत देने से पहले मेरी वो दुआ भी जरूर कबूल फरमाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तलेले फरमाते हैं, आखिर वो कौन सी दुआ है जिसे रब ने अब तक कबूल नहीं फरमाया। वो नानबाई कहने लगा, मैंने एक बुजुर्ग का बड़ा नाम सुन रखा है जिन्हें लोग इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। मेरी ये तमन्ना है कि मैं भी उनसे मुलाकात करूं, मैं उनकी खिदमत में हाजिरी दूं, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से मैं वक्त निकाल नहीं पाता, इसलिए मैं उनके पास जाकर अब तक उनकी जियारत नहीं कर सका। यही मेरी एक तमन्ना है जो अब तक पूरी नहीं हुई। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे ही मैंने ये सुना मैंने आगे बढ़कर उस नानबाई की पेशानी को बूसा दिया और मैंने कहा, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। वो नानबाई कहने लगा, भला वो कैसे। आप फरमाते हैं, जिस इमाम अहमद बिन हम्बल से तू मिलने की तमन्ना रखता है आज अल्लाह ने खुद उसे तेरे पास भेज दिया है। मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। अल्लाह अकबर। ये सुनते ही उस नौजवान की आंखों से
आंसू जारी हो गए। आप फरमाते हैं, वही सोचकर मैं अब तक परेशान था, मैं नमाज़े फजर के बाद अपना सामान्य सफर लेकर निकला। मुझे जाना कहाँ था, मंजिल क्या थी, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वो बंदा जो इस्तग़फार की कसरत करता है, उसकी दुआ को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने मुझे खुद उसके पास भेज दिया है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आप देखें इस्तग़फार के वजीफे में कितनी बड़ी ताकत होती है। एक इंसान अगर इसे गांठ बांध ले और शबो रोज इस पर अमल करना शुरू कर दे, अल्लाह कर्ज के बोझ से सुबुकदोसी अता फरमाता है, अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमाता है, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता करता है, अल्लाह उसकी तमाम दुआएं कबूल फरमाता है, यहाँ तक कि मायूसी, डिप्रेशन, परेशानी, मुसीबत, बला, अल्लाह इन सारी चीजों से अपने उस बंदे को निजात अता फरमाता है। हमें और आपको भी चाहिए, हम और आप भी इस्तग़फार की कसरत करें। हर नमाज के बाद कम से कम 11 मर्तबा इस्तग़फार की आदत बनाएं। अल्लाह हमें आपको सबको अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, और मुझे दोनों वीडियो का कुछ कनेक्शन नहीं लगा, जो भी पहले गैस सिलेंडर का था और बाद में। हाँ, लेकिन गैस सिलेंडर की पूजा कौन करता है? मुझे भी अजीब लगा कि सिलेंडर की पूजा कौन करता है। सिलेंडर तो गैस होता है, मतलब उसने अजीब अजीब वीडियो कहाँ से लेके आते हैं क्या? हाँ, लोग किसी की भी पूजा करने लगे आजकल, मतलब भगवान की ठीक है, आप गैस की कौन पूजा करता है? और शायद वो खाना पकाता है तो इसलिए कर किया होगा। नहीं, वो तो ब्राह्मण था शायद से। अपनी अपनी श्रद्धा होती है सच में। हाँ, तो आपको कैसा लगा वीडियो, जरूर कमेंट कीजिए। तो चलें, अगले वीडियो मिलेंगे।